एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन कर लेंगे तो वार के बारे में, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आसानी से समझ में आएगा। प्रीवियस क्लास हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखे थे और दो इंपोर्टेंट चीज देखे थे। एक था काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम स्क्वायर फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गिवन बाय पी स्क्वायर बाय 2m। और क्या देखे थे, दो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड, ये The change in kinetic energy is independent of mass and speed. It depends on what force is acting over what distance it is acting. कितना फोर्स आया, कितना डिस्टेंस तक आया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। The total work done by all forces on a body is equal to increase in kinetic energy. बस यही कहानी था kinetic energy का। अब उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ नहीं निकाल से देखते हैं। A force of 20 newton pulls a block of 6 kg as shown over a displacement of 8 meters. On a smooth horizontal floor, find the work done by the force. Find velocity of the body at the end of motion. ठीक है, solution पहले बनाते हैं। Solution, work done का formula सबको आता है, F A cos theta, और आपको याद होगा कि A is nothing but the displacement of point of application of force. तो F दिया गया है यहाँ पर 20 newton, S दिया गया है 8 meter, cos theta के जगह क्या ले लेंगे theta, theta बाय the angle between force and the displacement. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, DC एंगल व्हिच इज 60 डिग्री, तो आपको हो गए d cos 60, इट इज कमिंग आउट टू बी 80 जूल्स। दिस इज द वर्डर। आर देयर एनी अदर फोर्स एक्टिंग? यस, mg इज आल्सो एक्टिंग, ए नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो एक्टिंग, बट व्हाट इज वर्क डन बाय mg? द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू mg, नो वर्क इज डन बाय mg, है ना, no work is done by mg. What is the work done by the normal reaction? That is also normal, or displacement is parallel to the ground. तो कहेंगे दोनों के बीच में angle 90 degree हुआ, तो normal reaction के चलते भी कोई work नहीं होगा। क्यों? क्योंकि work done is Fs cos theta, यहाँ पर theta 90 degree हो रहा है, cos 90 zero, तो mg के चलते, r के चलते कोई work नहीं हो रहा है और friction है ही नहीं। तो हम कहेंगे gain in kinetic energy is equal to work done by all forces. अब all forces में काम करने की लायक force कौन सा था? F था। कितना work हुआ? 80 joules. mg और r normal reaction के चलते कोई work नहीं हुआ है, तो आपको होगी half mv square is the gain in kinetic energy. The block was pulled on a smooth horizontal floor. Force of 20 kg pulls a block of 6 kg. पहले ये ब्लॉक कहाँ था? ये रेस्ट में था, ये मेंशन नहीं है फिगर में, लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेस्ट में था। खींचने लगे तो आपको हो गए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? जीरो। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 80 जूल्स। क्या हमें इसमें से भी मिल जाएगा? भी मिल जाएगा। 160 एम दिया हुआ है 6 kg, 160 बाय एम, एम हो गया 6, इज कमिंग आउट टू बी 80 बाय 3, इट इज रूट ओवर ऑफ 80 by 3 meter per second. So the speed at the end of the displacement is going to be root over of 80 by 3. क्या आप लोगों का ये आंसर हुआ था? Yes sir. काफी लोगों का हुआ था। अगला क्वेश्चन, a block was pulled horizontally on a rock floor by a force equal to its weight. कितना फोर्स खींच रहा है? जो इसका वेट के बराबर है। After a displacement S, its speed was root over of Gs. Find mu on the floor. अच्छा, mu on the floor पूछा है, ये slide कर रहा था, क्या आपको मालूम है कि frictional force क्या होगा? Slide कर रहा था मतलब mu mg होगा, तो हम कहेंगे net force doing work or work done by all forces. Work done by all forces on the block over a displacement S is equal to, किससे किससे work होगा? F के लिए होगा, हाँ होगा, F into S. क्या work done by all forces, frictional force के चलते work done by frictional force क्या होगा? By frictional force है mu mg और displacement है S,
क्या ये वार्न बाई फ्रिक्शनल फोर्स हुआ? नहीं, तो फिर ये वार्न अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स हुआ है। वार्न अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी एस हुआ है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शन इधर को था, डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है, तो वार्न बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखेंगे? वार्न बाई फ्रिक्शनल फोर्स लिखेंगे। दिस वार्न बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ओवर डिस्प्लेसमेंट एस, नॉर्मल रिएक्शन के चलते क्या वर्क होगा? जीरो, बिकॉज़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वार्डन बाय एमजी क्या होगा? एमजी ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, इसके चलते भी वार्डन जीरो होगा, बिकॉज़ दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो दिस इज द टोटल वार्डन। एफ कितना दिया है? एफ तो दिया है एमजी, सो इट इज एमजी एस गोज कॉमन 1 माइनस म्यू। एंड यू नो द वार्डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है? आप कहोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो कुछ भी नहीं था इसके पास, ये ब्लॉक तो है शुरू शुरू में रेस्ट में था, नहीं द ब्लॉक वाज पुल्ड हॉरिजॉन्टली ऑन ए रॉक फ्लोर, मतलब ऑब्वियसली रेस्ट में होगा, इनिशियल वेलोसिटी होता तो दिया होता। और ये कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी? कितना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी? होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज गिवन रूट ओवर ऑफ जीएस, वी स्क्वायर हो गया तो जीएस हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस। तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वार्डन बाय ऑल फोर्सेस, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वार्डन बाय ऑल फोर्सेस, सारा फोर्सेस के चलते जो वर्क हुआ है उसको हम गेन इन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी और वार्डन बाय ऑल फोर्सेस, वार्डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वार्डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हुआ है? एम जी एस इनटू 1 माइनस म्यू। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है? हाफ एम जी एस। अरे वाह, ये तो सब मारपीट होके चले गए, एमजीएस एमजीएस कैंसिल हो गया, क्या मिला? म्यू इज इक्वल टू 0.5। क्या ये आंसर हुआ था आपका? यस सर। काफी लोग आंसर कर लिए थे म्यू वाज 0.5। जिनका नहीं हुआ था क्या उनको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। अगला क्वेश्चन, ए फोर्स एफ पुल्स हॉरिजॉन्टली टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम 40 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 40 वार्डन बाय द फोर्स, नेगलेक्ट फ्रिक्शन। अरे यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा था जिसका मास एम है, कोई फोर्स एफ इसको खींचा टी सेकेंड के लिए, पहले ये रेस्ट में था। सॉल्व करने की दो अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको फोर्स F दिया गया है, किसी तरह से आप S पता कर लोगे तो वार्क निकल जाएगा, S पता कर लोगे तो वार्क निकल जाएगा। अच्छा F S कर लेंगे वार्क निकालने के लिए, तो ऐसा करते हैं फर्स्ट मेथड। आई वांट यू टू लर्न बोथ द मेथड्स। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन इज m, तो फिर t सेकंड में टाइम दिया गया है t सेकंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू तो जीरो था, हाफ ए बाई एम टी स्क्वेयर। तो वार्डन कितना हो गया? वार्डन इज एफ एस एंड दैट इज एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई टू एम। ओके, सेकेंड मेथड, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जीरो था क्योंकि ये रेस्ट में था, एंड दैट इज इक्वल टू एफ इनटू टी। तो फाइनल मोमेंटम, दिस इंप्लाइज फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इनटू टी। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर करिए तो ये f इनटू t था ना, ये f इनटू t कैपिटल f था, f इनटू t था, तो t पी स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा f स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m।
सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, ये क्वांटिटी जीरो था, क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था, सो इट इज सेम एज एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m, बट गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी. So either way you could see the work on the body is coming out to be F square T square by 2m. क्या ये आंसर भी आप लोगों का हुआ था? Yes sir. Yes yes. बढ़िया है. Next question. The force acting on a body increases uniformly from 12 newton to 20 newton over a displacement 6 meter. The force acting on a body uniformly increases from 12 newton to 20 newton in over a displacement of 6 meter. तो force कैसे increase किया? ऐसे increase किया, है ना? ये force ऐसे increase किया है. कैसा increase किया है? ये पहले था, ये दिया है कितना? ये दिया है displacement. हाँ, पहले कितना था? It was 12 newton. और बढ़ते बढ़ते हो गया 20 न्यूटन. कब तक? जब तक उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर. क्या आपको वर्णन निकालना आता है? एज सॉल्यूशन क्या कहेंगे? एज एफ चेंजेस लीनियरली विथ डिस्प्लेसमेंट आपको होगी वर्क डन इज इक्वल टू मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एरिया अंडर द डायग्राम इज इक्वल टू हाफ. ये है 12 और ये है 20 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 इज 32 बाय 16 इनटू 6 इज 96 जूल. क्या ये आंसर हुआ था आप लोगों का? यस सर. यस सर. यस Yes, yes, yes. अगला क्वेश्चन. यहाँ पर कोई ब्लॉक रेड से फिसलने लगा, ए से बी तक आया. जब यहाँ पर आया उसका काइनेटिक एनर्जी वाज के, पूछा है बताओ व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक, रेस्ट ऑफ द डाटा आर गिवन, नेगलेक्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते हुए बताइए मास कितना है ब्लॉक का. तो ठीक है, हम देखेंगे. फॉर ए टू बी मोशन, for A to B motion, work is done by क्या क्या फोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर? फ्रिक्शन तो है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है वेट, नॉर्मल रिएक्शन है वेट. क्या नॉर्मल रिएक्शन के लिए कोई वर्क हुआ है? नहीं. जब वो ऐसे था, इधर फिसल रहा था, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था. नो वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ओनली वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, डन ओनली बाय एमजी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन. अच्छा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है? शुरू में तो था नहीं, बाद में है के, दिया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, तो ये बन गया के. टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी ए टू बी आने में, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ए फोर्स, ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जब वो ए से बी तक आया, फोर्स की डायरेक्शन में कितना आया, मतलब नीचे की तरफ कितना आया, एज वार्डन इज एम जी एज. क्या यहां से हमें एम मिल गया? यस के बाई. क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस. मास ऑफ द ब्लॉक इज के बाई रूट ओवर जी एज. तो आप लोगों को एकदम बढ़िया से सब कुछ समझ में आने लगा है. ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी.
potential energy of a body with respect to a reference is defined as the work done against the system force in moving the body और थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, सॉरी फॉर डूइंग ऑल दिस। हाँ तो थोड़ा सा चेंज करता हूं। पॉइंट नंबर वन, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ बॉडी with respect to its position के चलते kinetic energy क्या था और owing to its position ऐसे लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, due to its position तो it is owing to its position। क्या है potential energy? कोई बॉडी रेस्ट में है, कैसा पोजीशन में वो रेस्ट में, उसके हिसाब से उसके पास कुछ एनर्जी रह जाता है। जैसे मैं बोलूं कि ये कोई एक ब्लॉक है, इसके साथ कोई दूसरा ब्लॉक लगा है और दूसरा ब्लॉक जमीन पे रखा है, तो ना ये ब्लॉक किसी को मूव करवा सकता है ना खुद मूव कर सकता है क्योंकि फ्लोर पे रखा था। अगर ये फ्लोर पे नहीं रखा होता, फ्लोर थोड़ा सा नीचे होता तो क्या होता, ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करता और इस बाहर इसी को भी खींच ले जाता, मतलब इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क, कैपेबल ऑफ मूविंग दिस ब्लॉक बिकॉज इट वाज नॉट ऑन द फ्लोर। अब यहां से पर है तो यहां से यहां तक आने में थोड़ा सा वर्क करेगा। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं यहाँ पे होता, कहने का मतलब है ये जो सिस्टम की बात हम कर रहे हैं ये सिस्टम और भी ऊपर होता यहाँ पे होता तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आने की चक्कर में और ज्यादा वर्क कर लेता। ये ब्लॉक कहाँ पर है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क एंड द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी है काम करने की। जब ये जमीन के पास था इसमें कम एनर्जी था, जमीन पे रखा हुआ था कोई एनर्जी नहीं था, समझ में आ रहा है? So the capability of doing work is called potential energy। अब ऐसे आपकी लेवल में potential energy मतलब एक ही किस्म का potential energy होता है, that is called gravitational potential energy। जबकि there are hundreds of varieties of potential energy, हजार किस्म का potential energy, spring potential energy, electrostatic potential energy, ठीक है, ऐसे करके ढेर सारे variety के potential energies available हैं, surface potential energy ना, प्रेशर के चलते प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी, कोई चीज को अगर कोई प्लास्टिक बॉल को अगर हम पानी में डूबो के अंदर ले लेंगे छोड़ेंगे तो बॉल भागता हुआ ऊपर आएगा, कौन ला रहा है, द प्रेशर, दटनी से जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा भाग के आएगा, मतलब इतना ज्यादा वर्क कर पाएगा, ड्यू टू प्रेशर इज ऑल्सो सम पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस रखे हुए हैं तो एक दूसरे को मूव करवा सकते हैं उनके पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटी के चलते पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग के चलते कोई ब्लॉक स्प्रिंग में लगा है खींच के दूर से छोड़ दोगे खींच के ले आता है, इट इज कैपेबल ऑफ मूविंग द ब्लॉक, मींस उसके पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। हम लोग लेकिन आपके लेवल की पोटेंशियल एनर्जी पहले देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आप सबको मालूम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बताइए, mgh। देखो सबको मालूम है लेकिन बहुत सारा मिसकंसेप्शन इसके अंदर है, इसको हम लोग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक मास रखा है एट ए हाइट h और इसका मास m है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh जो आप लोगों को मालूम है। अगर मैं कहूं
कि यहाँ पर कोई एक डंडा रखा है और इसका मास m लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, क्या ये डंडे का पोटेंशियल एनर्जी कोई बता सकता है? नहीं, हम लोग सर सिर्फ ऐसा केस वाला जानते हैं। क्यों? हाँ बोलिए। फिर हम लोग देखेंगे इसमें, देखो ऐसा केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ऐसा केस में नहीं जानते हो, क्यों बताओ? इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे तो हर केस में कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन तो देखने की पूरी कोशिश करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई बॉडी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब क्या है? इट हैज सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है? चलिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजिशन, ध्यान से देखना, एट एनी पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इज डिफाइंड एज, विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इज गिवन बाय द वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ध्यान से देखना, मैं स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी, मूविंग द बॉडी फ्रॉम कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ फंक्शन। हाँ, स्टेटमेंट काफी टेढ़ा है, आपको समझना पड़ेगा, टेढ़ा है पर मेरा है, छोड़ नहीं सकते भैया, फिजिक्स हलवा थोड़ी है, कोई भी फॉर्मूला पढ़ लेगा, फॉर्मूला बता देगा, पोटेंशियल जी पता चल गया। यहाँ पर ढेर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स में यूज किया हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे टर्म को याद रखें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस, मतलब हरदम पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस, इज गिवन बाय वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। चलिए ये स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग गौर करते हैं, समझते हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक रेफरेंस लाइन है और यहां पे कोई एक मास m रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, एट ए हाइट h1। यहां पे कोई एक दूसरा मास m रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, एट ए पॉइंट h2 बिलो द रेफरेंस। ये पोजीशन को ए कहो, ये पोजीशन को बी कहो, तो रेफरेंस को आप ओ मानो, आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम एट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ध्यान रहे, आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो आप बता नहीं सकते विथ रेस्पेक्ट टू विच पॉइंट, ये बताना बहुत जरूरी है। स्कूल लेवल में क्या है कि सारा रेफरेंस को ग्राउंड ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है ग्राउंड रेफरेंस होगा, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग रेफरेंस भी हो सकते हैं। तो हम क्या देखें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम एट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू, गो बैक टू द डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस इज गिवन बाय, यहां तक हम लोग देख लिए, बाय क्या, द वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न, वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब mg इन मूविंग m फ्रॉम कहां से कहां तक, ओ पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू ए, बताओ
जब एम को हम ओ से ए तक लेके जाएंगे, रास्ते में वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा एम जी अगेंस्ट, कितना दूर जा रहे हैं एच वन, क्या हो जाएगा एम जी एच वन अगेंस्ट ग्रेविटी इज एम जी एच वन, तो आप हो गए ऑन ए में पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच वन है। समझ में आ रहा है? आगे अगर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम एट बी, ये देखो छोटे छोटे चीज लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना क्या कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम एट बी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी इन, और ग्रेविटी मतलब क्या एम जी against mg, work done against mg in moving m from कहां से कहां तक o to b, o to b, o हो गया reference, b हो गया point of concern जहां पे हमें पता करना है। o to b लाने में work is done by gravity और against gravity, बाय ग्रेविटी हुआ है भैया, mg नीचे की तरफ था, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इनटू h2, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, बाय ग्रेविटी mg h2 हुआ है, अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हुआ है माइनस mg h2, क्या समझ में आया? तो ये मास का रेफरेंस एबोव, एबोव द रेफरेंस इसका पोटेंशियल एनर्जी mg h1 है, बिलो द रेफरेंस इसका माइनस mg h2 है, बिकॉज़ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ में आया? दूसरा पॉइंट ये हुआ एट ए पॉइंट above reference potential energy is positive at a point below the reference पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, विथ रिस्पेक्ट टू द रूफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। कोई बोलेगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेन क्या है, आप बोलोगे पहले बताओ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉजिटिव, विथ रिस्पेक्ट टू रूफ इट इज नेगेटिव। तो ऐसा कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो इसका है नहीं कि आपको बता दे, आपको बताना विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस क्या है, रेफरेंस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगा। तो हमें समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड इट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। नाउ वी गो टू ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट एस, उसमें एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे एक्ट करता है, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि नहीं। इसका मतलब जब हम वर्क निकालने की बात करेंगे उसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालते पर वी हैव टू कंसीडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे, इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, what is h, it is vertical height of, ध्यान से देखना और समझना, vertical height of center of gravity of
समझ में आया क्या? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अभी अभी हम ये बात कर रहा था कि यहाँ पे कोई एक डंडे को हम ऐसे पकड़ के रखें, मास इसका एम है, लेंथ इसका एल है, एंगल इसका थीटा है। पूछा है बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, बट व्हाट इज एच? द वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? बीच में है, इसका हाइट, ये हाइट को आप कहोगे एच। समझ में आया क्या? अच्छा, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पूरा चीज एल है, तो ये एल बाई टू है, ये थीटा है, तो एच का वैल्यू क्या ले जाएंगे? एच का वैल्यू हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी है कितना? एम जी एल साइन थीटा, एम जी एल बाई टू साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये चीज पकड़ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? फिर ये चीज एल बाई टू साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। सपोज मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक यूनिफॉर्म बार को मैं जमीन पे गाड़ दिया हूं, ये बार को जमीन पे गाड़ दिया, कहां? यहां पे गाड़ दिया। अब ये बार का मास m है, लेंथ l है, बार का मास m है, लेंथ l है, और ये बार जो है जमीन के अंदर घुसा हुआ है, कितना? l by 3, और आप इसको रेफरेंस लोगे। कंसीडर ए यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m एंड लेंथ l एज शोन इन फिगर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, मतलब ग्राउंड को लेके आपको बता रहा है इस बार का पोटेंशियल एनर्जी है कितना, है कितना आपको बता रहा है इस बार का पोटेंशियल एनर्जी? यू हैव टू टेल व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार। क्या आप बता पाओगे इस बार का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाँ सर बता पाएंगे, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है mgh, जो हम सदियों से जानते हैं। हाँ लेकिन उसमें h क्या है? बोलिए, वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एबोव द रेफरेंस, ये बात है। वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एबोव द रेफरेंस, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां मिलेगा? ऊपर से l by 2 में मिलेगा, क्योंकि लेंथ l है ना, तो यहां पे मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे? l by 2 में। अच्छा तो h क्या हो गया भाई? h इज दिस। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे? h दैट इज वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इज इक्वल टू, ये है l by 2, क्योंकि यहां से यहां तक l by 2 होता है, ये l by 3 है, माइनस l by 3 इज कमिंग आउट टू बी l by 6। क्या ये बात सबको समझ में आया? देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज m g h, मतलब m g l by 6, ये बार का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? m g l by 6। क्या बात सबको हजम हो रहा है? ये ही है इंटरेस्टिंग चीज। क्या आपको ये समझ में आया क्यों मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहा हूं? Why it is the vertical height of center of gravity? Because by definition it is the warden against gravity, and when we find warden against gravity we have to see displacement of point of application of gravity, gravitational force exerted to center of gravity, uska displacement, इसीलिए center of gravity कितना ऊपर है उससे पता चलेगा कि क्या है इसका potential energy, ठीक है? अगर आपको इतना बढ़िया समझ में आ रहा है, मैं आपको और एक छोटा सा चीज पूछूंगा। यहां पे टेबल है, टेबल पे चेन है,
यूनिफॉर्म चेन ऐसे रखा गया है, अब इसका लेंथ है एल और ये मास इसका है एम, और क्या दिया है, दिया है कि ये आधा लेंथ एल बाई टू है, ये है ये एल बाई टू है, ठीक है। अब ये चेन को ऐसे बांध दिया गया है और इसको दिया गया है रेफरेंस, ए यूनिफॉर्म चेन, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज केप्ट ऑन ए टेबल विथ हाफ लेंथ हैंगिंग बियॉन्ड द एज, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन विथ रेस्पेक्ट टू टेबल टॉप, विथ रेस्पेक्ट टू टेबल टॉप। चेन झूल रहा है आधा, झूल रहा है आधा, ऊपर है पूरा मास एम है, पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल टॉप आपको चेन का बताना है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल टॉप चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज ए स्कालर क्वांटिटी, यू नो इट इज द वर्णन, तो हम इसको स्कालर क्वांटिटी कहेंगे। ए बी सी तीन हिस्सा ले लेते हैं, हम कहेंगे सॉल्यूशन में ऐसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी सी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी, ए बी और बी सी का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जोड़ देंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, एम जी एच, एम मतलब ये तो आधा मास है ना, कितना मास होगा अगर पूरा का मास m है, ये l by 2 है तो ये भी l by 2 है, तो ये कितना हो जाएगा मास m by 2। g क्या है, h what is the height of center of gravity from the reference, zero, it is on the table। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, yes, sir। AB का कोई potential energy नहीं है, BC के बारे में क्या ख्याल है आपका, BC के बारे में क्या ख्याल है भाई, वही m by 2 G into H, H क्या है? रिपीट करो मेरे साथ, वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ये BC का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ है ना, ये L by 4 है, but is it the height of center of gravity above the reference? No, it is below the reference. तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेफरेंस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी ऊपर है, माइनस L by 2 ऊपर है, बताया था ना, बिलो रेफरेंस होने से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, अबव रेफरेंस होता है, हां L by 4 ही है, आप लोगों को कुछ दूसरा दिख रहा होगा, ये ऑनलाइन में ऐसे दिखता है, L by 4 लिखो तो L by 2 दिखता है, अभी L by 4 दिखा, यस यस देखो, तो बताओ बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे यहां पर, माइनस L by 4, why, because we wanted to write h, and what is it, vertical height of center of gravity, ये तो below the reference है, तो ये हो गया कितना, minus mg L by 8। क्या मेरी बात सबको समझ में आया, yes। मैं आपको अभी एक दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं जिसका आंसर आप मुझे बताओगे, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, पहले क्वेश्चन तो देख लो मेरे भाई, ये है कोई इंक्लाइंड प्लेन का प्लेन है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, यहां पे कोई एक चेन रखा गया है, ऐसा 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 यहां तक रखा गया है, और क्या दिया है, दिया है कि दिस लेंथ इज एल बाई टू और दिस लेंथ इज ऑल्सो एल बाई टू, दोनों लेंथ एल बाई टू है, ये भी एल बाई टू है, ये भी एल बाई टू है, ये एंगल इज 30 डिग्री, ध्यान से देखना, बताना आंसर इसका,
किसकी दिमाग जल्दी जल्दी काम करता है पता करेंगे। ये हो गई रेफरेंस और मैं इसको ले लिया रेफरेंस, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको दे देता हूं एज। You see, here is the chain kept on a table. In figure shown, if total mass of chain is M, find potential energy with respect to the reference. चलिए देखते हैं ये विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पूछा है, ये दिया है रेफरेंस। सॉल्यूशन के लिए हर कोई मिलके कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूँ सॉल्यूशन। चेन का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्योंकि आगे आगे ना ये जानना कुछ जरूरी है। आगे आगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहुंचेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सब मतलब इनिशियली कितना पोटेंशियल एनर्जी था, फाइनली क्या पोटेंशियल एनर्जी था, ये सब जानना जरूरत पड़ेगा, तभी जाके हम लोग गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। ट्राई करिए, यू कैन डू इट नाउ। आई वॉन्ट टू स्पेयर सम 2-3 मिनट्स फॉर इट, फॉर देट यू हैव टू डू इट समहाउ एंड कंप्लीट इट। आप करिए इसको, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। ओके, चलिए कितना सिंपल है। देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, एमजीएच होता है फॉर्मूला, मास क्या है इसका, टोटल मास ऑफ द चेन इज एम, मतलब ये कितना है बोलिए, एम बाई टू, एम बाई टू जी इंटू एच। एच इज द वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, यहां कितना हाइट पे है ये हाइट, ये हाइट कितना है, ये एल बाई टू है, ये 30 है, तो हो गया एल बाई टू साइन 30। शायद गड़बड़ हो गया है, सुप्रीत का भी आंसर देखते हैं। इट इज कमिंग आउट टू बी एम जी एल, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, इट इज कमिंग आउट टू बी एम जी एल बाई 4। यस यस यस, ये बन गया, हाँ यस यस यस, एम जी एल बाई 8। मैं इसको मिटाना चाहता था, आई मेक इट एम जी एल बाई 8, तो ये हो गया एम जी एल बाई 8। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, ये सबको समझ में आया, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी इज दिस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी, मास कितना है एम बाई टू जी, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे होगा, ये डिस्टेंस कितना है एल बाई फोर, और ये एल बाई फोर साइन 30, L by 4 sin 30, is it not mg L by 16? Yes, sir. दोनों को जोड़ो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, गड़बड़ हो गया था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg L by 8 plus mg L by 16 is equal to 3 mg L by, क्या सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes, yes. कितना सिंपल था। तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी बोलने से आप लोग एमजीएच सोचते थे, ये थोड़ा हटके है, क्या ये एक्स्ट्रा चीज समझ में आया? Yes sir. ये हम लोग जो एमजीएच बोलते थे, हमें समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस होता है, रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव होता है, रेफरेंस के नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर नीचे मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेफरेंस से ऊपर है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव होगा, और एमजीएच में एच क्या है,
वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम यही क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे लेकिन रेफरेंस इसको लेने की बजाय इसको ले लेंगे तो AB का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। सो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, लगे रहो, हम लोग करेंगे इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। अगले क्लास में हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा देख लेंगे, देखने के बाद विल गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। थोड़ा आप लोग पढ़ के आया करो, चीजों को प्रैक्टिस करके आया करो, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद। Success is your forest interest seeker.